क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर की पावर 12, ठीक है, इज, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, अपने पास गिवन है 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर की होल पावर 12, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे, तो जनरल टर्म अपने पास आएगा 12cr 2x की पावर 12 माइनस r इंटू 1 अपॉन 2x स्क्वायर की पावर r, ठीक है। सो 12 की पावर cr, इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 12 माइनस r इंटू 2 की पावर 12 माइनस r, ठीक है। और इसमें देखो, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर r, तो आ जाएगा 2 की पावर r, यहाँ पे x की पावर 2r, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 12cr, x की पावर कितना हो जाएगा ये 12 माइनस 3r इंटू 2 की पावर 12 माइनस 2r। नाउ हमें वो टर्म चाहिए जो x से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, मींस x की पावर यहाँ पे 0 हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 12 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो 3r इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 12, मींस r इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ वो टर्म क्या आएगा अपने पास, वो टर्म अपने पास आएगा 12c4, ठीक है, इंटू 2 की पावर 12 माइनस 2r, ठीक है। मिनट, अच्छा माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 1 की पावर r कर लेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे r इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो 12 माइनस 4 हो जाएगा इंटू माइनस 1 की पावर 4 नहीं आएगा, 12 माइनस 2r है ना, सो r इक्वल टू 4 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, एंड 12 माइनस 8 कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 12c4 इंटू 2 की पावर 4 एंड माइनस 1 की पावर 4 1 आएगा, ठीक है। नाउ इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आगे फर्दर, ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा अपने पास 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल, जो भी होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा, आप सॉल्व करना, 7920, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।